que hundas tu pecho arriba, las manos gabacho moreno penetra tu barrio. हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत डार्क और इंटेंस है। मिडसमर डायरेक्टेड बाय एरी एस्टर, जो कि पहले हेरिडेटरी जैसी मूवी डायरेक्ट कर चुके हैं। हम हेरिडेटरी का रिव्यू भी जल्दी करेंगे चैनल पर, फिलहाल बात करते हैं मिडसमर के बारे में। स्टोरी शुरू होती है एक लड़की जिसकी लाइफ में हाल ही में एक ट्रेजिडी हुई है और वो उसकी वजह से काफ़ी परेशान और डिप्रेस्ड है। इस सभी के बीच उनका एक स्वीडिश दोस्त उन्हें अपने देश स्वीडन में इनवाइट करता है, ये कहकर कि उसके गांव में एक फेस्टिवल है और उन्हें वो देखना चाहिए। तो जो हमारी मेन कैरेक्टर है डैनी, वो अपने सभी दोस्तों के साथ स्वीडन के लिए निकल पड़ती है और जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके गांव में एक बहुत अच्छा फेस्टिवल हो रहा होता है। लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर नाच गा रहे होते हैं और ये देखकर डैनी को काफ़ी अच्छा लगता है। पर धीरे धीरे स्टोरी अपना टर्न लेना शुरू करती है और ये अच्छा एक्सपीरियंस उनकी लाइफ का सबसे भयानक सपने का रूप ले लेता है और आगे जाकर उनके साथ जो जो घटनाएं होती हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बाहर होती हैं। और जब फिल्म ख़त्म होती है तो सच में हमें एक बहुत ही अनकंफर्टेबल फीलिंग के साथ छोड़कर जाती है। इस फिल्म का जॉनर हॉरर और ड्रामा रखा गया है, लेकिन ये फिल्म हॉरर से ज़्यादा काफ़ी इंटेंस और डिस्टर्बिंग है। कैरेक्टर्स की बात करें तो इस फिल्म की प्रोटैगनिस्ट डैनी है, तो ज़्यादातर कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। और फ्लोरेंस व्यू जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया है। अब बात करते हैं इस फिल्म के एक डाउनसाइड के बारे में, जो कि है स्लो स्टोरी प्रोग्रेशन। मूवी के 2 आवर्स के रन टाइम को देखते हुए कुछ लोगों को फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो लग सकता है, लेकिन मूवी का सेकंड हाफ पूरे टॉप गियर्स पर चलता है। और दूसरी कमी मुझे इस मूवी की ये लगी कि कुछ कैरेक्टर्स के साथ जो इंसिडेंट्स होते हैं उन्हें ऑफ स्क्रीन रखा गया है, जो कि अगर डायरेक्टर ने शो किया होता कि उन कैरेक्टर्स के साथ क्या होता है तो फिल्म का हॉरर एस्पेक्ट थोड़ा और बढ़ाया जा सकता था। अब डायरेक्शन की बात हो ही रही है तो इस फिल्म के डायरेक्टर एरी एस्टर, जो हेरिडेटरी से हमें अपनी डायरेक्शन से इम्प्रेस पहले ही कर चुके हैं, मिडसमर में भी उन्होंने कमाल का डायरेक्शन किया है। हेरिडेटरी के बाद से ही उनके फैंस उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट का वेट कर रहे थे, जो कि बनकर आया मिडसमर के रूप में। तो क्या मिडसमर ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरती है? इसका जवाब होगा कुछ हद तक हाँ, लेकिन इस फिल्म को और भी बेहतर किया जा सकता था। अगर आप एक डार्क और डिस्टर्बिंग मूवी देखना चाहते हैं तो मिडसमर बिल्कुल आपके लिए ही है। मैं मिडसमर को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पर अगर आपने ये मूवी देख रखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। बाकी सब्सक्राइब कीजिए इस वाले चैनल को और भी नए रिव्यूज़ देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।